ब्रेकिंग न्यूज, बेंगलोर के सोमराज पेट के लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच में लूट हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस लूट के बाद बैंक के सभी कस्टमर घबरा कर पूछताछ के लिए वहां पहुंच रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके पैसे और जेवरों का क्या होगा जो उन्होंने वहां जमा किए थे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत का क्या होगा। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि तीन लोग अपना मुंह ढक कर वहाँ बैंक रॉबरी के लिए आए थे। माना जा रहा है कि इस बैंक से करोड़ों रुपए चुराए गए हैं। आइए जानते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। इस एरिया के एमएलए के लिए फाइनल वार्निंग है, हमें एक हफ्ते का वक्त देते हैं। हमें किसी भी सूरत में हमारे पैसे वापस चाहिए, वरना दिन रात ऑटो चला के मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे मैंने। हमने अपना पैसा बैंक में इसलिए जमा किया था क्योंकि वो घर पे सुरक्षित नहीं था। हम बैंगलोर में जमीन खरीद के वहाँ अपना घर बनाना चाहते थे। बैंक अगर ऐसे लूटे रहे तो पुलिस और थाने की क्या जरूरत है? हमारे जैसे गरीबों की रक्षा फिर कौन करेगा? एसीपी देवी, जिन्होंने ऐसे ही बहुत सारे संगीन मामलों को आज तक सुलझाया है, वो अब इस केस की छानबीन करने वाली हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, एसीपी देवी से सुलझा ही लेंगी। एसीपी देवी कौन है ये देवी? सट्टे का रेट क्या है बे? एक पर चार। इस बॉल पर चौका लगेगा, मुझे इस पर शर्ट लगाना है। इस बॉल पर कितना है रे? 10। तेरी डेट ऑफ बर्थ बता। जून 6। फिर तो इस बार ना पक्का 6 लगने वाला है। Damn! सुपर बैटिंग। अगली बॉल का क्या है रे? 1/2। मैम वो हॉस्पिटल वाला केस था ना, अब वो बिल्कुल ठीक है। देख अभी ये विकेट नहीं गिरेगा, 20 पेटी लगा दे तू। यस तेरी तो। क्या बात है बोल। अपने लड़के को भेजता हूँ, पैसा उसे दे देना, मैं ज्यादा क्रेडिट नहीं देता। 6+10 मतलब हो रहे पूरे 16। बोल किधर भेजना है? आजकल पुलिस की ट्रैकिंग बहुत हो रही है, मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। ठीक है भेज। चलो एड्रेस तो मिल गया, चलो। मैडम प्लीज मैडम, आप मेरे बच्चों को बचा लो मैडम, हमारी शादी के बहुत साल बाद हुए हैं मैडम। ये 10 लाख रुपए रख लीजिए मैडम, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तुम लोगों को क्या लगता है अगर पैसे दे दोगे तो तुम लोग का बच्चा तुम लोग को वापस मिल जाएगा? बच्चा पैदा करने से ना सारी जिम्मेदारियाँ खत्म नहीं होती, उसका ख्याल रखना पड़ता है, नजर रखनी पड़ती है उसके ऊपर। जाओ जाओ घर जाओ। ठीक है टाइगर, गाड़ी निकाल। मैडम इतना डर क्यों रहे हो? रिलैक्स, डोंट गेट स्कैर्ड, आई एम नॉट अ हॉरर बट आई एम अ टेरर। लोगों को तुझे देखकर डर लगता है लेकिन मेरे तो आने की खबर से ही डर जाते हैं, मेरे जाने के बाद भी डर में ही रहते हैं। वैसे ये मेरी राशि में ही लिखा हुआ है। ए, छोटी बच्ची के सामने सिगरेट पीता है, शर्म नहीं आती तुझे? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पैकेट पर भी लिखा होता है। फिल्म शुरू होने से पहले देखा नहीं कभी? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू स्वास्थ्य के लिए, ठीक नहीं है रे। छोड़ो ना, जाने दो मैडम, आपको मुझे 16 लाख देने हैं, वो देने की जरूरत नहीं है। साथ में ये 10 लाख भी रखो, लेकिन मेरे काम में कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ देख, काम की बात तो होती ही रहेगी, पहले इस बच्ची को जाने दिया से। ए, बच्ची को साइड कर रहे। मैडम ये गलत है मैडम। नहीं गलत तू कर रहा है, मैं नहीं। बच्चे भारत का भविष्य है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर या फिर कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और तू एक होने वाले प्रधानमंत्री के सामने सिगरेट पीता है? बैड मैनर्स। वाह 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 वाह, एक साथ में 3-3 काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है रे। अगर तू अपना ये मल्टी टैलेंट किसी अच्छे काम के लिए यूज करता ना तो ये देवी नारियल पानी की तरह एकदम ठंडी होती, लेकिन अभी क्या है, सोडा बोतल ओपन। देखिए मैडम, ये 10 लाख रखो और यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तभी तुम इस इलाके में काम कर पाओगी, नहीं तो तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा। नीचे रख दे। घुटनों के बलाओ, ये तेरा पहला और आखिरी मौका है, इसके बाद कोई भी चालाकी की ना जान से जाएगा, समझ जा बे। Hey!
समझाया पर नहीं माना। मेरी कोई गलती नहीं है। तुम लोग को जिंदा रहना है कि नहीं? अरे तो निकलो इधर से। हेलो मैडम, तीन आदमी जो सोमराज पेट बैंक रॉबरी में शामिल हैं, वो इस वक्त विजयनगर की तरफ जा रहे हैं। कार नंबर KA09ME7079। कौन बोल रही है तू? हेलो हेलो हेलो, चलो निकलते हैं। ये क्या किया मैडम आपने? हमने उन्हें हॉलीवुड स्टाइल में चेस किया था, हम उन्हें पकड़ने वाले थे, आपने क्यों जाने दिया? टाइगर मैडम, तेरा बर्थडे कब आता है रे? January 10, 1978। ओ, 10। हाँ। अच्छा 10 से उल्टी गिनती शुरू कर। वो क्यों मैडम? करना 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मैडम आपने ये कैसे किया? अगर कुएं में तैरने की कोशिश करोगे तो ऊपर तो आना ही पड़ेगा ना, वरना डूब के मर जाओगे। वैसे भी इन्हें डेड एंड देखकर वापस आना ही था। जाबाज, हैंडसम, खतरों के खिलाड़ी, ये सब नाम ना तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करते। ए हीरोस, फॉलो मी। मैडम मैं उनके साथ आऊं क्या? मैंने कहा जाने को तुमसे। लेकिन अगर वो भाग गए तो? हाँ, इनके चेहरे देखे बिना ही मैंने इन्हें यूं पकड़ लिया था, अब तो चेहरे भी देख लिए, चुटके में पकड़ लूंगी। कर्नाटक पुलिस, वेरी टैलेंटेड। जी मैडम। गाड़ी चालू करो। ओके मैडम। लूट को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपको ये केस आज सुबह दिया गया और आपने इतनी जल्दी सॉल्व भी कर लिया, क्या आपको ये पहले से पता था? ए चलो रे, सीधा चलो। मैडम आपने इनके चेहरे क्यों छुपाए हैं? क्या ये वही चोर हैं या इनकी जगह आप किसी और को पकड़ के लाई हैं? मैडम हमें शक था इन लोगों पर, इसीलिए अरेस्ट किया है। हाँ तो हीरो लोग, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही पुलिस के पास तुम लोगों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, और वैसे भी तुम लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हो, और ये बैंक रॉबरी ना तुम लोगों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी सच सच बताओ, तुम लोगों ने उस 12 करोड़ का क्या किया है? कहाँ छुपाया है? अगर सच बताया तो ये देवी नारियल पानी की तरह ठंडी रहेगी। चल चल अब बग दे चल। मैडम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैडम मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैडम मैडम इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम लोगों की ये तोते जैसी रट सुन सुन कर ना मैं बहुत पक गई हूँ। ए जरा हड्डियाँ तोड़ो रे इनकी, तभी बकेंगे ये लोग। तब तक मैं जरा चाय पी कर आती हूँ। अगर मैंने तुम लोगों की धुलाई शुरू कर दी ना तो सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। ए औजार लाओ। छे 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 छे, ये क्या है? अरे पिछली बार वाले मवाली का खून अभी तक इस पर लगा हुआ है। अगर यही इस्तेमाल करूंगा तो इन लोगों को एक्स हो जाएगा और ह्यूमन राइट्स वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे और दिमाग का दही कर देंगे। हम यही करते रहेंगे क्या? ए दूसरा औजार दे। कितनी बदबू मार रहा है और ये कितना बड़ा है और गंदा भी बहुत है। तो बेचारे कितने मासूम हैं। अभी ये लोग नए नए चोर बने हैं ना, इनके लिए कोई छोटा मोटा औजार लाओ। देख बॉक्स में कुछ है क्या? हाँ सुई है सर। हाँ ये सही है, ये आराम से अंदर बाहर हो जाएगी।
दो, इसकी बैंक खोल। बिल्कुल सर, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो सर। सच सच बताना, मैं सब कुछ सच बताऊंगा। ये अपना काम करने लगेगी, कुछ बताऊंगा। अब ये सच बताएगा, इसको खोल कर नीचे उतार और मैडम के पास लेके जा। हाँ सर। चल अब तेरी बारी है। नहीं सर। कमलदार, इसके पैंट उतारो। सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। ये भी बोलने को तैयार हो गया, इसे भी उतार कर मैडम के पास ले जा। सर, अब रूल्स के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते सर। रे, इसके पैंट उतार जरा। सर, सर बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ सर, बताता हूँ। इस तरह से चाय पीने का ना मजा ही कुछ और है। लगता है अब डर लग रहा है इन्हें। एक छोटी सी सुई ने सारा काम कर दिया हमारा। क्यों बे, सच बताएगा ना? जी मैडम। बता। ए, चुप क्यों है, जल्दी बता। सर, समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, थोड़ा सा सोचने तो दीजिए। सुई। नहीं मैडम, मैडम सब बता दूं। मैडम, मैं तो आप ही की तरह एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था मैडम। मैडम, हमसे जानना क्या चाहती हो? 5 दिन पहले जिस बैंक को लूटा था उसके बारे में बता। अरे मैडम, इसको बोलो ना मुझे मारे नहीं, मेरा उन पैसों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको सब सच बताता हूँ, मैं SLV होटल का सप्लायर हूँ। जब भी वहाँ पर कोई होम डिलीवरी का ऑर्डर आता है ना, तो मैं वक्त से पहले पहुँच जाता हूँ। आज सुबह हमको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, लेकिन मेरे मालिक ने कहा कि मैं ऑर्डर सही वक्त पे नहीं पहुंचा पाऊंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। अपने को जब कोई बोलता है ना कि आप ये काम नहीं कर सकता, तो अपने अंदर का शेर जग जाता है। आपने उनसे शर्त ही लगा ली। लेकिन मेरा बैड लक, स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने इधर उधर देखा तो एक ओपन ओमनी वैन में चाबी लगी हुई थी। मैं शर्त हारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना पार्सल उस गाड़ी में डाला और सीधा वहाँ से गाड़ी लेके चल दिया। वैन का मालिक मेरे पीछे दौड़ने लगा। मुझे लगा था कि मैं बाद में सॉरी बोल के छूट जाऊंगा। मैं गाड़ी एकदम स्पीड में भगाने लग गया, क्योंकि पार्सल टाइम पे पहुँचाना था। तभी एक आदमी बीच में आ गया और उसको मैंने ठोक दिया मैडम। उसके बाद वो ड्राइव कर रहा था, उसने बोला हम उसे अस्पताल में छोड़ देंगे और उसे भी बिठा लिया। टेंशन में मैं रास्ता ही भूल गया था, तो मैंने एक अनजान आदमी से पता पूछा। मैंने कहा मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर देना, मैं एड्रेस बता दूंगा। उसने मुझसे कहा कि गाड़ी में बैठ जा, तो मैं बैठ गया। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता मैडम। जब हम वैन में जा रहे थे तो मैंने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वो पुलिस की गाड़ी थी, इसलिए मैंने बोला गाड़ी रोक। उसने गाड़ी रोकी और पुलिस भी ठीक हमारे पीछे रुक गई। उसने कहा चुपचाप बैठे रहो। जैसे ही उसने कहा कि गाड़ी चोरी की है, तो डर के मारे हमारी जान ही निकल गई मैडम। हमने भागने की कोशिश की तो आगे डेड एंड था, समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। और जब हम वापस आए तो आप बिल्कुल सलमान की तरह दबंग स्टाइल में बैठी हुई थी मैडम। बस यही सब हुआ था, इसके बाद क्या हुआ आप सब जानती ही हैं मैडम। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मैं ना तो उस कार के ड्राइवर को जानता हूँ और ना ही उस दूसरे आदमी को। इस बैंक रॉबरी से और इन दो लफड़ेबाज लोगों से आप उनका कोई संबंध नहीं है मैडम। हाँ मैडम, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर देता हूँ, चाहे तो उसे पूछ लीजिए। ठीक है, नंबर बोल। 9036633719। हेलो। हेलो, हाय, मैं रामू बोल रहा हूँ। अरे तुम किसी और के नंबर से फोन क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुमसे लड़ती हूँ तो क्या तुम अपना फोन बंद कर दोगे? मैडम प्लीज फोन काट दो प्लीज। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। हाँ, ये बहुत ज्यादा डांटती है मैडम। क्यूट वॉइस थी ना। हाँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ मैडम, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे ज्यादा मत मारना मैडम। मैडम दरअसल वो छिपकली बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तेरी स्टोरी में तूने मुझे एक दबंग हीरो से कंपेयर जो किया है ना, वो सुपर डुपर था। मुझे लगता है कि ये तीनों है ना एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मैं कब से यही कहना चाहता था मैडम। अच्छा, तो इधर बैठकर फैसला करो मेरा क्या काम है। सॉरी मैडम, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकर जाओ इसे। टाइगर जी मैडम, मेरी कड़क रोटी तैयार है ना? एकदम मेरी तरह कड़क है मैडम। ये रहा मेरा राजीनामा पत्र, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि अगले 15 दिनों में आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये लेटर सीधे CM को भेज दूंगा। ये पकड़ो। जी सर। ये कौन था? सर, ये हमारे आदमी। अगर इसने आगे पहुंचा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, जाओ उसे वापस बुलाओ। सर, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आप अपना पैसा उन्हें क्यों नहीं दे देते? जब बैंक से पैसे मिलेंगे वो लौटा देंगे। हमारे इलाके में ही 12 बैंक हैं। आज इस बैंक में लूट हुई है तो मैं आपका सारा पैसा लौटा सकता हूँ, लेकिन अगर कल फिर किसी दूसरे बैंक में लूट हुई तो क्या मैं लौटा पाऊंगा? इम्पॉसिबल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये क्राइम है। एक और बात, जो इस केस को संभाल रही है वो कोई ऐसी वैसी ऑफिसर नहीं है, गेयरिंग एंड डैशिंग ऑफिसर देवी। 150 केसेस अभी तक खत्म कर चुकी है। मैंने अपना राजीनामा पत्र इसलिए नहीं दिया कि मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे देवी मैडम पर भरोसा है। अब मैं मैडम से बात करता हूँ। देवी को फोन करो,
रिंग जा रही है सर। हेलो हेलो देवी मैडम, कौन बोल रहा है? राजू गौड़ा, सोमराज पेट का एमएलए। नमस्ते, हाँ बोलिए। जिन लोगों का पैसा लूटा गया है वो लोग मेरे घर पर मुझसे न्याय मांगने आए हैं, और क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है इसलिए मैंने वादा किया है कि उनका पैसा 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। वादा आप किए जा रहे हो और काम आप मुझसे करवाना चाहते हो? दरअसल इस इलाके के लोग मेरे अपने लोग हैं, ये थोड़े शरारती लोग भी हैं। काम तो आप हमसे कराते हो और पब्लिसिटी खुद को चाहिए। मैडम, इस इलाके में जो भी होता है चाहे अच्छा हो या बुरा, सब मेरे अंडर ही होता है। देखिए, आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। रिजल्ट सबके सामने आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। थैंक यू। मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगी। सर, क्या आप बताएंगे आप बात करते वक्त इंग्लिश और हिंदी मिक्स क्यों कर रहे हैं? आप इसी वेले भात तो खाती ही होंगी, आधा चावल और आधा सांभर दोनों को मिक्स करना पड़ता है, वो भी एक मिक्सिंग ही है। उसी तरह अगर दुनिया में फेमस बनना है तो उसके लिए हमें हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर ही बात करनी चाहिए। एमएलए राजू गोड़ा की। अरे मैडम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही थाने चला आता ना। देखिए, मैंने आपसे 3 लड़कों के बारे में बात की थी, उनमें से एक लड़का आपके यहाँ पे काम करता था, क्या जानते आप उसके बारे में? ओमू तो बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम, अगर उसके जैसा लड़का हर होटल में होगा ना तो होटल मालिक को टेंशन की जरूरत ही नहीं। देखो मालिक, यह पिज्जा हट है और ये देखो यह मैकडॉनल्ड है, और इसको बोलते हैं डोमिनोज, क्या वो भी फोन नंबर के साथ। लेकिन ये कौन सा रेस्टोरेंट है? मेरे पिताजी का शुरू किया हुआ रेस्टोरेंट दिखा के मुझे क्या बताना चाह रहा है? आप बस भी करो मालिक, परदेशियों ने यहाँ पे आके मैकडॉनल्ड डोमिनोज की कितनी सारी ब्रांचेस 10 साल में खोल दिया और अभी एकदम आराम से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कहना क्या चाहता है? अरे आपका दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया, लेकिन आप इलाका छोड़ने को नहीं मानते हो। आप इसका जिम्मेदारी अपने पे सौंप दो, अपन इसको पूरा दुनिया में फेमस कर डालेगा विद फ्री होम डिलीवरी ऑल्सो, यू नो। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, जो करना चाहता है दिल से करना, क्या लगता काम पे? ओके मालिक, बात पे काफी पीते। एक्सक्यूज मी, मेरी होटल में लोकल लोग नहीं आते, ये फिरंगी कहाँ से आ गई? व्हाट डू यू वांट? यू वांट इडली, वड़ा, सांभर, चटनी, खारा भात, केसरी भात, सादा डोसा, बिसी बेले भात? व्हाट डू यू वांट? यू टेल मी, आई विल पैक एंड गिव इट टू यू। नहीं नहीं, मुझे तो एक घर चाहिए। यहाँ के लोकल लोग भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते जितनी तुम बोल रही हो। आई परदेश से हो लेकिन तुमसे देश की महक आ रही है। एक घर क्या, तुम्हें तो पूरा मैसूर पैलेस दिलवा दूंगा। धन्यवाद। मेरे यहाँ एक लड़का है, उसका नाम है ओमू, वो तुम्हें अच्छा घर ढूंढ के दे देगा। अच्छा, कहाँ पर है वो? अभी तो वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। कैसा काम? पप्पा की सेवा। मालिक, एकदम बढ़िया गोरी मैम, किधर से ढूंढ के लाए हो? अरे इसे घर चाहिए, जाके घर दिखा दे। आप उनसे नहीं होगा। पर क्यों? अरे परदेशियों को कोई अपने घर में जगह देता है क्या? जरूर अपने घर से भाग के आई होगी ये। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ भाग कर नहीं आई, पढ़ने आई हूँ, योगा सीखने। ओ, तुमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है? नहीं तो, मुझे ये भाषा पसंद है इसलिए सीखी है। क्या बोल रही है? जाके योगा टीचर के लिए घर देखना, कुछ भलाई का काम कर ले। मालिक आपका बोलना नहीं टाल सकता है। अच्छा मैडम, टुमारो मॉर्निंग 6 AM को एकदम नहा धो के दुकान पे पहुंच जाना, तो उधर आपको मैं मिल जाऊंगा, सब कुछ दिखा दूंगा। ए, तू इसे क्या दिखाएगा और ये क्या देखेगी? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। अरे घर मालिक। अच्छा घर, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मालिक आप उनको पता है बूढ़े हो चुके हो लेकिन दिल से एकदम जवान हो। अरे तुझे तो मेरे सारे खेल पता ही है, चल जा, ले जाओ, जाके घर देखो, जाओ। You see, I come, huh? Okay. Hello. हाँ, मैं गली नंबर 17 में हूँ, अभी आता हूँ। क्या मैडम, घर कैसा लगा? अच्छा है कि नहीं? ठीक है, रेंट कितना है? 6,200 रुपए। No, it's too expensive. मुझे नहीं चाहिए। Tomorrow, one good selection. House is done. Do or die. तुमको फाइनल करना ही पड़ेगा। ये लोग भी क्या कहते हैं? Thank you. घर में आते हैं तो इनके सब चोचलेबाजी बंद हो जाते। हाय मैडम। हाय। कम कम। वन मिनट। अबे हटना ट्रैफिक जाम। आओ आओ मैडम, घर देख लो।
हाँ बोलो सर, अभी डिलीवरी के लिए 15 मिनट बाकी है। एक्सक्यूज मी, जरा ये रूम भी देख लो ना। ठीक है ठीक है, रखता हूँ। क्या हाउ इज द होम मैडम? ब्यूटिफुल हाउस। अपना सिलेक्शन अच्छा ही होता है। But no vastu. What what? Vastu vastu. You mean किचन की जगह, भगवान की जगह, पैसे की जगह, नहाने की जगह? Exactly. क्या बात कर रही हो मैडम? अपुन का खोली 10x10 का खोली और अपुन 1 नंबर 2 नंबर नहाना धोना खाना पीना सब उधर ही कर ले है। फिर भी आप उनको देखो कैसा है, एकदम खुश है मैडम। वैसे आप ज्यादा टेंशन मत लो, घर अच्छा मिलते सीधा अंदर घुस जाने का। अपना मन चंगा ना तो कटौती में भी गंगा होती है मैडम। आपने मंदिर देखा है क्या? जैसे हमारे पैर पिलर है और ये मंदिर का दीवार है और सिर बोले तो मंदिर का कलश, तो बन गया कि नहीं मंदिर? मतलब प्लीज सी, दिस इज पिलर, पिलर दिस इज टेम्पल, टेम्पल दिस इज गोल्डन कलश, गोल्डन कलश दैट्स ऑल वास्तु मैडम। अगर हमारा शरीर ठीक है तो हमारा घर भी ठीक रहेगा, यही तो जीवन है। ओके घर ओके है ना? हाँ ठीक है। सुन, मैं अपना घर किसी विदेशी लड़की को नहीं दे सकता। जोन, इस परदेशी लड़की का गारंटी आपुन लेता है। अरे बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। यू प्लीज टॉक टॉक। नमस्कार, आप ये घर दे दीजिए। ओए, तूने पहले इसे हिंदी सिखाई और फिर उसे यहाँ लेकर आया है ना? नहीं नहीं, मैंने खुद सीखी है। देखो, चाहे तुमने खुद हिंदी सीखी हो या फिर इसने तुम्हें सिखाई हो, लेकिन ये घर मैं किसी विदेशी को भाड़े पर नहीं देने वाला। पता है क्यों? बिल्कुल तुम्हारी ही तरह 2 महीने पहले एक विदेशी पास वाली गली में रहने के लिए आई थी। 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, पुलिस केस भी हुआ था, बहुत परेशानी हुई थी। मुझे ऐसी परेशानी नहीं चाहिए। मान लो अगर मैंने तुम्हें घर दे भी दिया, 2 दिन तुम शांत रहोगी, उसके बाद तुम अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दोगी, फिर सारे पड़ोसी मुझे शिकायत करेंगे। मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं चाहिए, मैं नहीं दे सकता। भाई देखो ना, बेचारी कितनी रो रही है। आपको कलेजा भी ले जानी है क्या? अरे अपन बोल रहे हैं ना, अपन इसका जिम्मेदारी लेता है। चल ठीक है, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, 50,000 एडवांस और 5,000 किराया देना होगा। हर महीने की 1 तारीख को किराया मिल जाना चाहिए। चलो ये टोकन अभी रख लो। धन्यवाद। हाँ ठीक है। बाय। हाय। इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे आपन तो तुमको ये देने के लिए आया था। ये क्या है? दिस इज माई स्टाइल ऑफ वेराइटी ऑफ राइस इडली। मुझे क्यों दे रहे हो? दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बॉडी का हर हिस्सा मजबूत हो जाएगा। आफ्टर यू फिनिश योर योगा, यू ईट दिस राइस इडली, नेक्स्ट डे सी योर ताकत। ओके ओके बाय। थैंक यू, बाय। यस। हेलो, आ रहे आ रहे। हेलो। हाय, ये तो हर रोज कसरत करती है। ये बताओ, कल वाला स्पेशल इडली कैसा लगा? एकदम सुपर थे, बहुत एनर्जी। आज तो मैंने कल से भी ज्यादा वर्कआउट किया। सच में? और वो चटनी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये क्या बोल रही है? इसने इडली पैकेट उल्टा तो नहीं खोला था ना? आज भी तुम मेरे लिए पार्सल लाए हो क्या? हाँ, ये तो टुडे स्पेशल है। हाँ। रवा डोसा विद मजेदार चटनी, एकदम कमाल का डोसा है, पूरे बॉडी में गर्मी भर जाएगी। फर्स्ट यू ईट, देन यू टेल द रिजल्ट। या, साउंड्स गुड। ओके, ईट नाइसली, बाय। बाय। हेलो, परसों इडली, कल डोसा, आज क्या लाए हो? दिस इज पावरफुल ड्रम स्टिक सांभर, साउथ इंडिया के मंड्या जिले में बहुत फेमस है ये। इसमें ताकत, एनर्जी, गर्मी और मूड आपको सब मिलेगा। लो पियो। वाओ, आई लाइक इट एंड आई लाइक यू। आई लाइक यू की जगह आई लव यू भी तो बोल सकते थे। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अरे पूरा का पूरा एक साथ पी लिया। अरे इसमें रिंग भी थी। कैसी रिंग? लव रिंग, प्रपोजल रिंग। ओह रिंग, क्या रिंग कोई ऐसे सांभर में डाल के प्रपोज करता है क्या? अरे तो और क्या करूँ, पहले मैंने इडली पर लिख कर आपको प्रपोज किया था, फायदा नहीं हुआ,
फिर मैंने डोसे पर लिखकर वापस ट्राई किया था, उसका भी कोई फायदा नहीं। लेकिन कल मैंने एक इंग्लिश पिक्चर में देखा कि एक हीरो ने रिंग को ड्रिंक में डालकर उसको प्रपोज किया और वो सक्सेस भी हो गया। उसी तरह अपन ने भी एकदम अलग अंदाज अपनाया और रिंग को सांभर में डाल दिया। लेकिन तुम तो सांभर के साथ वो रिंग भी घटाघट घटक गई, तुम्हारे अंदर जरा से भी फीलिंग नहीं है। अगर मुझे पसंद करते हो तो डायरेक्टली कहो, इडली डोसा पर लिखते रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम प्यार करते हो? वो सब छोड़ो, तुमने अभी जो रिंग सांभर के साथ अंदर निकल लिए उसका क्या करने का है? जो रिंग तुमने तो प्यार से दिया, उसे कैसे निकलूंगे? हे, तुमको जादू भी आता है क्या? तुम जिस दिन मुझे मिले मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ। I love you, Pirangi. I love you so much. Will you marry me? Yes, I love you too. Yes! Yes! वो बेचारा बैंक रॉबरी कैसे कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता मैडम। सी ब्रो, तुम्हारी बात ना कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसने तुम्हें बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट दिखाए तो तुम्हें लगता है कि वो बड़ा आदमी बन गया है। उसने एक फिरंगी लड़की को घर दिलवाया है तो इससे क्या वो ईमानदार बन गया? जानते वो डॉलर्स और पाउंड की बात कर रहा है। जल्दी उसकी सच्चाई ना तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर उससे मिलने के लिए ना जेल जाना पड़ेगा। चलती हो? हाँ, चाय एकदम मस्त थी। थैंक यू ब्रो। मेरे बेटे का बचपन से ही एम्बिशन था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करे। उसे ये भी पता था कि इसके लिए उसे बॉडी फिट रखनी होगी और फिटनेस बनाए रखने के लिए उसने जिम कभी नहीं छोड़ा। सुनो, किसी चोर ने चेन झपटी है और वो बीड़ी पार की तरफ गया। ये लो, ये रही तुम्हारी चेन। इसे मैंने चुराया था, कोई और चुराता ना तो हाथ में नहीं आती, लूट के ले जाता इसे। तुम्हारे पति ने इसे कितनी मेहनत से खरीदा होगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जॉगिंग क्यों करते हो? अपना वजन कम करने के लिए और शरीर फिट रखने के लिए। और जॉगिंग जॉगिंग ड्रेस में करनी चाहिए। और अगर जॉगिंग करते वक्त इतनी मोटी सोने की चेन पहनकर भागोगी तो चोर तो चोरी करेगा ही ना। अरे चोर तो क्या, कोई शरीफ इंसान होगा तो उसका भी इस पे ध्यान चला जाएगा। और तुम्हें गलत फहमी है कि पुलिस बचा लेगी, हम सब सुरक्षित हैं। तो ये फालतू का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। नमूना देखा ना, मुझे पकड़ भी नहीं पाए। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, इनमें से कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। आगे से ध्यान रखना। ये हुई ना बात। ये तो बिल्कुल पुरानी फिल्म की तरह हो गया। चोर चेन चुरा कर भागता है और हीरो उसे जान पर खेल कर बचा लेता है। लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, लड़की खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये सारा नाटक पुराना हो चुका है। हेलो अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप सबने अपने हाथों से मेरे बॉयफ्रेंड के लिए तालियां बजाई तो मैंने खुश होकर इसे गले लगा लिया। ये चाहती थी मैं जल्दी से अपना वार्म अप खत्म कर लूं इसलिए। अच्छा एक काम करो, आप घर जाओ और जल्दी से अपनी डार्लिंग को भी गले लगा लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बताओ, आज जाकर गले लगाइए। बाय डार्लिंग। डार्लिंग। हाँ बोलो ना। देखो ये प्यार व्यार बहुत हो गया है, अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, शादियों का मौसम है, हम भी शादी कर लेते हैं। देखो ये इतना आसान नहीं है। मैंने पापा से वादा किया है कि जब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिल जाती मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगा। अच्छा, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारी नौकरी के लिए चिंता कर रहे हैं वैसे ही मेरा परिवार मेरी शादी के लिए परेशान है। डेली एक NRI का फोटो मेरे घर में जरूर आता है। प्लीज घर जाकर अपने पापा से इस बारे में बात करो। अरे मैं भी बात करना चाहता हूँ, यहाँ से जाता हूँ तो मेरे अंदर पूरा जोश होता है, लेकिन जैसे ही उनके सामने जाता हूँ तो मेरी हवा निकल जाती है। तुम रहने दो, मैं जाकर बात करती हूँ। तुम कैसे? देखो क्या है, मेरे पास बहुत बड़ी जुबान है और देखते देखते अब वो टैलेंटेड हो गई है। इन दोनों को मिक्स करके कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, फिर तुम्हारे पापा को नहीं उनके पापा को भी मैं संभाल लूंगी। देखो तुम्हें करना है तो करो, लेकिन ध्यान से। क्या आपके घर में मसाले हैं?
तुम कौन हो? मैं हूँ कर्नाटक की सबसे फेमस एंकर जानवी। ये है बुलेट प्रकाश, ये है साधु कोकिला और ये है चिकू चिकाना। हम लोग क्यू टीवी से आए हैं। आपके घर में कोई महिला है? नहीं। आपके घर पर पहली बार कोई लड़की आई है क्या? आप उसे अंदर भी नहीं बुलाएंगे? आओ अंदर आओ। थोड़ी साइड दीजिए अंकल। हम लोग एक शो बना रहे हैं जिसका नाम है आर होम फूड। इस शो की खास बात यह है कि हम जिसके घर भी जाते हैं उसे उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें अपने शो का नाम देयर होम फूड रख लेना चाहिए। ये आवर होम फूड कैसे रखे? सही कहा अंकल। लेकिन हमारे पूर्वज भी तो अपने गेस्ट के घर के खाने को अपना समझकर ही खाते थे। हम भी बिल्कुल वही करते हैं अंकल। हम जब भी अपने प्रोग्राम के लिए किसी के घर जाते हैं तो उसे अपना ही घर समझते हैं। इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है आर होम फूड। ये भी तो मेरा ही घर है ना, मतलब होने वाला घर। क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही थी कि जैसे कि इस घर में कोई महिला नहीं है तो खाना तो हम ही पकाएंगे। आप सिर्फ खाने का टेस्ट बताना और उसकी रेटिंग देना। अच्छा, अब ये बताइए किचन कहाँ पर है? ओ वहाँ, चलो आओ दोस्तों। अब जल्दी से मुझे बताइए कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। मैं 10 मिनट के अंदर वो खाना बनाकर रेडी कर दूंगी। तुमने कहा था ना कि ये तुम्हारा ही घर है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मसाले एकदम सही होने चाहिए, कह देता हूँ। क्या बात है अंकल, बिल्कुल सही कहा, 100% राइट। पता नहीं क्यों अंकल, ये सब मतलब ये किचन, आप, ये गाजर, ये सारी सब्जियाँ, ये सब कुछ बहुत खास लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक स्वीट डिश बनाऊंगी। ओके ओके, ये पकड़िए। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये पकड़ो। ओके, रोल करो। ओके मैडम, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे इस खास शो आर होम फूड में स्वागत करती हूँ। अंकल, क्या आप गाजर का हलवा खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल रेडी। लेट्स स्टार्ट। कढ़ाई को पहले गैस पर रखो, फिर गैस को जलाओ, उसके बाद गाजर को पीसो। अंकल, आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? 100% नहीं। फिर तो इसमें एक और चम्मच चीनी जरूर डालूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी डिश बनकर तैयार है। तो आज के शो आर होम फूड की स्पेशल डिश है गाजर का हलवा। रेडी टू ईट अंकल? ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे मेरी बीवी हमेशा बनाया करती थी। थैंक यू अंकल, आपने तो मेरा दिल ही छू लिया। सेम डायलॉग, सेम फीलिंग के साथ कैमरा की तरफ देखकर बोलिए प्लीज। आज के इस शो आवर होम फूड में मेरी बेटी ने जो गाजर का हलवा बनाया है वो बहुत ही सुपर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। सुनो बेटी, तुमने हलवा बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू अंकल, लेकिन आपने इस शो में मुझे अपनी बेटी कह दिया है। क्यों बेटी, जब तुम इस घर को अपना घर समझ सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी क्यों नहीं समझ सकता? एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? एक मिनट अंकल, मैंने पैकअप कहा था ना तुम सबको, तो अब जाओ ना यहाँ से। चलो। अच्छा तो अंकल, आप क्या कह रहे थे? मैंने पूछा था तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं अंकल, आई एम स्टिल सिंगल। ऐसा क्यों पूछा अंकल? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या अपने बेटे की शादी मुझसे कराने का प्लान है अंकल? तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक बेटा भी है? वो क्या है ना अंकल, ये जो फोटो पड़ी है ना, ये मैंने देख ली थी, ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ अंकल। सुनो बेटी, मेरी सलाह है कि लड़कियों को सही वक्त पे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैंने तो फैसला कर लिया है, हमारे घर में बहू बनकर तुम ही आओ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए अंकल, अगर वो हाँ कहे तो आप मेरी फैमिली से आकर बात कर लीजिए। बेटे को दिखाने के लिए तुम्हारी एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ श्योर, वेरी मॉडर्न अंकल। हाँ हाय पापा, इतने गौर से फोन में क्या देख रहे हैं? पापा, घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अच्छा सुनो बेटा। हाँ बोलिए। कभी कभी हालात के हिसाब से हमें अपने वादे तोड़ने भी पड़ते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या कह रहे हैं, जरा खुल के बताइए। लो ये खाओ। आज सुबह सुबह आपको हलवा कौन पकड़ा गया? पकड़ा के नहीं गया, खुद बनाया, लो खाओ। बहुत अच्छा है। हाँ, जिस लड़की ने हलवा बनाया है वो इससे भी अच्छी है। उसके हाथ का हलवा खाकर तुम्हारी माँ की याद आ गई बिल्कुल। क्यों पापा, नई मम्मी ला रहे हो क्या? जो मजाक करता है बाप से। अरे वो तो अपने QTV के शो आवर होम फूड को शूट करने के लिए आए थे। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, वो बड़ों की इज्जत करना जानती है, ड्रेस सेंस भी अच्छा है। उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे घर की बहू मिल गई हो। कोई टीवी वाली यहाँ खाना बनाने क्यों आएगी? क्या फेंक रहे हो पापा? देख लो, मैंने उसके साथ सेल्फी भी ली है। ये आई थी? हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। जानते हो? ये तो बहुत फेमस है पापा, मैंने आज तक आपका कहाँ कभी टाला है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी फोन करता हूँ। ठीक है पापा, आप बात करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हेलो। अरे तुम दोनों कम से कम मेरी तसल्ली के लिए तो बात करो। पहले आप शुरू कीजिए। पहले आप करिए ना। नहीं, पहले आप कीजिए। हाँ
आप टीवी पे जो बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। वैसे सिर्फ टीवी पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी अच्छा बोलती हूँ। और आपने तो अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। कौन सा जिम? ईगल जिम। कौन सा? ईगल जिम। ओके ओके। पापा मैं तैयार हूँ। अंकल मैं भी तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन क्यों? तुम दोनों जब अलग अलग थे ना तभी अच्छे थे। मुझे नहीं लगता तुम दोनों की जोड़ी बन गई तो सबसे रह पाओगे। शादी की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। अब तुम जा सकते हो। एक सेकंड पापा, कुछ बात करनी है। तो तुम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे और मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ऐसे क्यों घूर रहे हो? पता है ये लड़की जो टीवी पे दिख रही है ना, हमारे घर में भी शूट करने के लिए आई थी। बहुत ही अच्छी लड़की है। माना कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन तुम क्यों घूरे जा रहे हो इसे? यार मैं अर्जुन की शादी इससे करवाना चाहता हूँ। सुनो, आज के बाद इसकी चिंता करना छोड़ दो। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा और ये लड़की पहले से ही आपस में प्यार करते हैं। तो अर्जुन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी प्यारी सी बच्ची को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा? इसका मतलब आप तैयार हैं पापा? बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तो पहले ही तुम्हारी शादी के सपने सजा लिए। हमेशा सुखी रहो। थैंक यू। मस्त लव स्टोरी है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम, वो भला बैंक लूटने जैसा घटिया काम क्यों करेगा? ये मत सोचिए कि मेरा बेटा है इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ। आपको एक घटना बताता हूँ। पता है कल मेरा इंटरव्यू है, इस दिन के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अब जाकर वो मौका आया है। अच्छा, मुझे आज फिर से शंकर सर की फिल्म दिखा रहे हो? तुम हमेशा इन्हीं की फिल्म मुझे क्यों दिखाते हो? तुम मुझे ये फिल्म 15 बार दिखा चुके हो, अब मुझे ये फिल्म नहीं देखनी। सुनो, अगर कर्नाटक का हर पुलिस वाला इनकी तरह काम करने लगे ना, तो लोग हॉकी की इज्जत अच्छे से करने लग जाएंगे। जब भी वो कोई केस सॉल्व करने के लिए एंट्री लेते हैं, मेरे बदन में करंट दौड़ने लगता है। हम जैसे लोगों के लिए सुपर इंस्पिरेशन है शंकर सर, तो उनकी फिल्म को 2 बार देखो या 50 बार देखो, उनका मजाक कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। आज ये पिक्चर देखूंगा और कल इंटरव्यू दूंगा, और देख लेना तुम 100% पास हो जाऊंगा। क्या कहती हो? बहुत अच्छे। अच्छा तो चलो, आज ये फिल्म हम शंकर सर के लिए देख लेते हैं। चलो, ये हुई ना बात। चलो, तुम जैसे घटिया लोगों को तो यहाँ से देखा हर निकल शंकर सर की एंट्री। अच्छू, कोई मुझे पीछे से छू रहा है। अरे गलती से लग गया होगा। अच्छू, ये मुझे जानबूझकर छू रहा है। चल बाहर, भूर कह रहा है चल बाहर, तुम भी चलो। हाँ हाँ, चल देखते हैं क्या करता है, हम भी देख लेते हैं। अरे यार, छुप छुप के हाथ लगाने की क्या जरूरत है? हाथ लगाना है ना, खुलेआम लगाओ, जहाँ लगाना है जैसे लगाना है। बॉस, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे आदमी हो। बॉयफ्रेंड हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। जा छू क्या? बॉयफ्रेंड हो तो इसके जैसा। अच्छा,
थिएटर में इस लड़की को छेड़ा और मुझ पर वार भी किया। ये देखिए, छोड़ेगा ना तेरे को। अच्छा चलो। मेरे बेटे ने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का काम किया था मैडम। पुलिस ट्रेनिंग में ना हमेशा सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है कि एक क्रिमिनल की तरह सोचो। क्या है ना, पुलिस क्रिमिनल को तभी पकड़ सकती है जब वो उसकी तरह सोच पाएगी। हाँ, तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है लेकिन रास्ता गलत पकड़ा है उसने। मैं साबित कर दूंगी कि वो क्रिमिनल है। जाएगा? यस मैडम। गाड़ी निकालो। ओके मैडम। क्या है ये, ट्रू कॉलर पर देवी का नाम दिखा रहा है? तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड है क्या? मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। हाँ, मेरी जुबान बहुत गंदी है, मेरे कहने पर की देर है, जिंदगी तबाह हो जाएगी, समझा? हेलो, मैं राम नहीं, बेबी बोल रही हूँ, उसकी बहन। सॉरी दीदी, वो कहाँ पर है? कल उसने मुझे इसी नंबर से फोन किया था, इसीलिए मैंने इस पर फोन किया। कॉल करने तक ठीक है लेकिन ये श्राप प्राप्त मत देना मुझे। प्यार करने वालों के बीच ये तो चलता ही रहता ना। अब अगर वो छोटी सी लड़ाई की वजह से एक हफ्ते तक बात नहीं करेगा तो मेरे जैसी लड़कियों का क्या होगा जो उसके जैसे आदमी से प्यार करती हैं? आप बस बताओ कि वो कहाँ पर है, मैं अक्कल ठिकाने लगाती हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम फटाफट ना रॉयल मॉल के आइसक्रीम पार्लर में मिलो। हेलो, कैसी हो? अरे मैडम, वो आप थी? नो शॉक, बी कूल। मुझे साड़ी में देखकर डर गई लगता है। आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल नो? यस मैडम। इसने भी यही बोला था। बैठो, सिट बेबी, सिट, सिट डाउन बेबी। एक स्ट्रॉबेरी और मेरे लिए चॉकलेट। मैडम मेरे लिए तो मंगवाइए, एक बनाना विद आइसक्रीम, एक टूटी फ्रूटी विद चॉकलेट सॉस, बस इतना। आइसक्रीम है, लंच नहीं जी। इसके लिए भी वही लाना। ओके मैम, थैंक यू। थोड़ा ज्यादा। 5 दिन, एक रॉबरी और 12 करोड़ कैश, 3 चोर, उनमें से एक तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैडम ये क्या कह रही है, राम जेल में है क्या? और नहीं तो, रॉबरी के जुर्म में उसे महल में रखेंगे क्या? मैडम वो बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं है, वो तो बहुत ही स्वाभिमानी है। अपने खर्चों के लिए भी वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बिल्कुल पैसे नहीं लेता। इतना ही नहीं मैडम, जब भी उसे पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने इलाके की औरतों को होम साइंस के ट्यूशन देता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा आदमी बैंक में चोरी भी कर सकता है। कुछ भी हो जाए पर चोरी तो नहीं करेगा। आपको पता भी है वो कैसा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर जी, मुझ पर ध्यान दो, एक मिनट। हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये क्या है? वेट 52, ब्राउन आईज, उम्र 23, हाइट 5.6, बॉडी साइज 31, 24, 36। अब मेरा रंग, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मुझे इससे ज्यादा गोरा होने की जरूरत ही नहीं है। कलर हो गया ना? ओके। हेलो। अब मेरा ड्रेसिंग सेंस, बेंगलोर में जीन्स टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनती हूँ, गांव में साड़ी लहंगा और चुन्नी पहन लेती हूँ, गोवा जाती हूँ तो बिकनी, कोई भी ड्रेस हो मुझ पे सूट करती है, एकदम कूल लगती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी प्यार हो गया, और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त दे रही हूँ, अगर हाँ में जवाब नहीं मिला ना तो मैं इस धरती से बोरिया बिस्तरा पैक करवा दूंगी, समझ गए ना? बाय। हाँ जाओ, लगता है ये पागल है। आप सब लिखिए। मैंने जो 7 दिन का वक्त दिया था वो खत्म हो चुका है, तुमने क्या सोचा है?
यही कि अच्छा एक मिनट हाँ देखो मैंने जब प्रपोज किया था तब 52 केजी की थी और अब 48 की रह गई हूँ पता है 4 किलो कम हो गया है मेरे सारे शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव हो रहे हैं खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है जहाँ जाती हूँ तुम ही दिखाई देते हो और ये सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं देखो आई एम सॉरी मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्यों क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अभी मैं तुमसे प्यार करने के हालात में नहीं हूँ ऐसे कौन से हालात ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैं तुमसे प्यार नहीं करता बस ये समझ लो अब बार बार यहाँ आकर प्यार करो करके मुझे परेशान मत करो अब जाओ यहाँ से ठीक है फिर मुझे तो लगता है मुझ में ही कोई डिफेक्ट है बस तुम मेरे साथ चलो यही बात तुम उसके सामने जाकर कहना जो मुझसे कही है किसे कहना है अरे कहाँ ना चलो मेरे साथ लेकिन कहाँ डरो मत तुम्हारा रेप नहीं करूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते कम से कम मेरी मदद तो कर सकते हो ना देख क्या रहे हो चलो भी अरे आओ लक्ष्मी आज सोमवार है तुम गेंदे के फूल चढ़ाओ और शिव जी की पूजा करो ओए ये सारे फूल अब मेरे कोई काम के नहीं रहे मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है ये रहा मेरा प्यार और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी कितनी अच्छी लड़की है कितनी सुंदर लड़की है और तूने इसे रिजेक्ट किया मैं तुझे श्राप देता हूं जितना मर्जी डांट लो इसका जवाब फिर भी वही रहेगा मुझे मेरे पैसे वापस दो पैसे कौन से पैसे अच्छा आ? भूल भी गए ऐसी बातें कर रहे हैं बेवकूफ मत बनाइए मैंने इसके लिए यहाँ आकर पूजा के लिए पूरे 1300 रुपए खर्च किए हैं मुझे वो पैसे वापस चाहिए देखो बेटा इस लड़की ने तुम्हारे नाम पर इतना पैसा खर्चा किया टाइम इन्वेस्ट किया इसको हाँ क्यों नहीं बोलते मुझे माफ करना लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है अरे 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 दक्षिणा तो छोड़ जाती है रुको रुको तुम मुझे इस तरह से छोड़कर कहाँ जा रहे हो तो मैं और क्या करूँ मेरे साथ एक और जगह चलो ना उन्हें सब कुछ बताऊंगी कि तुमने मुझसे क्या कहा है फिर चले जाना अब मैं कहीं नहीं आऊँगा चलो ना आखिरी बार इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी प्लीज चलो ना ठीक है पर ये आखिरी बार इसके बाद तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी तो चलो फिर चलो ये कौन सी जगह है मेरा घर है आओ ना अरे इतना क्या डर रहे हो चलो भी तो कहाँ गई थी कितना वक्त लगा दिया माँ मैंने बताया था ना कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ यही वो लड़का है मान गया क्या मुझे ऐसा लगता था कि मान जाएगा पर नहीं मान रहा है इसीलिए यहाँ पर ले आई हूँ इसके बाद अब जब मेरी शादी इस लड़के से हो जाएगी और किसी ने बता दिया कि मैं इससे प्यार करती थी तो मामला बिगड़ सकता है इसीलिए मैंने सोचा कि ये अपने ही मुँह से सब कुछ बता दे इसीलिए इसे यहाँ लाई हूँ ए इसे बता दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते उसके बाद मैं इससे शादी कर लेती हूँ बताओ इसे अरे अब खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो I love you. फिर से कहो क्या कहा तुमने I love you. सच में सर खड़े हो जाओ बुरा मत मानना मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके बेटे की शादी मुझसे भी अच्छी लड़की से हो जाए आप यहाँ अपना वक्त खराब मत करो आप जा सकते हैं चलिए जी फिर से कहो ना क्या कह रहे थे I love you. हिंदी में कहो ना मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही बेवकूफ मुझे मारा क्यों रोड पर ऐसी हरकतें कर रहे हो शर्म नहीं आती है क्या मैंने अपनी प्रॉपर्टी को छुआ कुछ गलत किया देखो हर चीज की लिमिट होती है ठीक है तुम अपनी हदों में रहो ठीक है तुम्हें पता है मेरा ये जो प्यार है ना वो सूरज की गर्मी की तरह चढ़ता रहता है मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें छेड़ना चाहता था इतनी सी बात का इश्यू बना रही हो पता है बाहर के देशों में है ना यंग कपल्स जो होते हैं वो रास्ते पर ही किसमिस कर लेते हैं वो तो जानवर करते हैं तुम जानवर हो क्या आइंदा रोड पर ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा थोड़ी तो शर्म किया करो हेलो मैं तुम्हें काफी वक्त से देख रहा हूँ तुम मुझे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो ठीक है मैं ज्यादा बोल रही हूँ सॉरी बोलो क्योंकि तुम गलत हो सॉरी वो भी मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा माफी नहीं मांगी ना तो छोड़कर चली जाऊंगी जाओ निकलो अरे जा आगे बढ़ आगे यहाँ से निकल जा तू भी निकल मुझे उस लड़ाई के बाद बहुत गुस्सा आया था और मैं वहाँ से घर चली आई उसके बाद आखिरी बार आपके फोन से कॉल आया था बस इतना ही मैडम इसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था कुछ तो है जो मिसिंग है लेकिन मैं ढूंढ कर ही रहूंगी अच्छा सुनो तुम सब लोग इस पेपर पे साइन कर दो माय गॉड इतना स्पेलिंग मिस्टेक्स पहले सीधा तो पकड़ बाद में पढ़ भाई तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो क्या ये लोग हमारा नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं उसके लिए साइन करना है नार्को टेस्ट
क्या मतलब होता है इसका? अरे इसे सच बोलने का इंजेक्शन लगाकर सच बुलवाया जाता है। हाँ। अगर इन्होंने हमें नार्को का इंजेक्शन लगा दिया तो हमारा दिमाग इनके कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ। सारा का सारा सच तुरंत ही बाहर आ जाएगा। पता है तेलगी के साथ भी यही टेस्ट किया गया था और उसके बाद ही वो मर गया। अरे मैडम, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई तो हमारा नार्को टेस्ट करके हमसे आप कौन सा सच उगलवाना चाहती हो? वोड का टेस्ट अच्छा रहेगा मैडम। अगर हमने 3 पैक लगा लिए ना तो सारा का सारा सच टकाटक टकाटक बाहर आने लगेगा। और ये बात तो सारी दुनिया को पता है मैडम, आपको भी तो पता होना चाहिए मैडम। क्या रे टाइगर, दारू पीने के बाद सब लोग सच बोलते हैं क्या? कल मैंने भी 3 पैक लगाए थे, उसके बाद जो बीबी के सामने सच निकला है ना मैडम। अगर ऐसी बात है तो जा माल लेकर। ओके मैडम। मैडम ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज तुझे तो मैं ना सुन, ऑरेंज फ्लेवर लाना। ओके मैडम। एक तो इन्हें मुफ्त की दारू पिला रहे हैं, उसमें भी इन्हें अपना फ्लेवर चाहिए। शांति से बैठे रहो। मैडम परमिशन दे दो ना मैडम। हाँ शुरू हो जाओ। ये चलो बैठो बैठो। मैडम शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना है। क्या है? पहला पैक पीने के बाद हम लोग अपने आप को ही गालियाँ देंगे और दूसरे पैक के बाद ना हम सामने वालों को गालियाँ देते हैं। hey, मैडम आपने मैडम पब्लिक को समाज को। लेकिन तीसरे पैक के बाद ना सच कहता हूँ मैडम, सब कुछ सच सच बोलने लगेंगे। हाँ ठीक है शुरू हो जाओ। Yes, friends. Yes. तुमने तो कहा था कि तुम दोस्त नहीं हो। अब दारू मिलने के बाद हम सब दोस्त बन गए हैं मैडम। आपके लिए भी चीयर्स मैडम। चीयर्स बोलो ना रे। मैडम पैक नंबर का पापी हूँ मैडम, मुझ जैसे आदमी को धरती पर रहने का कोई हक नहीं। हम जैसे पापियों को तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और अगर नहीं मरे ना तो कम से कम ड्रम में पानी भरकर उसी में डूब जाना चाहिए। हम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है मैडम, कोई हक नहीं है। हम पापी है मैडम, सेकंड पैक है प्लीज मैडम। ए, मुझे ऐसे घूर घूर के क्या दिख रहा है? कुछ नहीं मैडम, काश आपकी उम्र 20 साल की होती तो सोचो क्या क्या होता मैडम। क्यों रे? आप देखते फिल्मों के हीरोइन की तरह लगती मैडम, और मैं आपका फैन होता। मैडम आप जिम भी जाती है क्या मैडम? क्यों बे? आपकी टांगे बहुत मजबूत है। थैंक यू मैडम। मैडम ये तीसरा पैक है प्लीज मैडम। लगाए जा। तुम लोग इतना चुप क्यों बैठे हो यार? अब तो हमने 3 पैक पी लिए, अब तो मैडम के सामने सच बोल दो। अब ढक्कन कहीं के, जब से तू जिंदगी में आया जिंदगी की वाट लग गई है, और जब से तुम जिंदगी में आयो तब से मेरी जिंदगी पूरी हराम हो चुकी है। ए जी बड़ा सांबर, रोड पर इतने सारे लोग थे, पता मुझसे ही पूछना था तुझे। तुझे पता क्या पता, अपने लाइफ पता बदल गया। एक मैं मुक्का मारूंगा, मैंने तुझसे पता पूछा था, बता के तुझे चले जाना चाहिए था ना। सब मेरी कार में बैठने के लिए तुझे किसने बोला था वो? मैं कार में बैठा था। ये लोग ना ऐसे कुछ भी नहीं बताने वाले। वोड़का चाहिए था इन लोगों को, वोड़का। डंडे लगाने पड़ेंगे इन्हें, सबको अलग बिठाना, कल आके पूछती हूँ। इतने से मेरा क्या होगा? जैसा आप लोग सोचते हो ना, दारू पीने के बाद कोई सच नहीं कहता, हम तो बस वही कहेंगे जो दारू पीने से पहले सोचा था। सबको शक हो रहा है कि हम तीनों के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छुपा हुआ है। ये तो बिल्कुल 100% सच है। हम तीनों के अपनी अपनी असली कहानी कुछ और ही है, और वो कहानी है। हेलो बेटो, क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। आज मेरी योगा ट्रेनिंग पूरी हुई, 1 वीक में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुपर, आखिर तुम योगा टीचर बनी गई हो, अब आगे क्या? मैं अपने कंट्री में जाकर योगा टीचर बनने की सोच रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। मैं वहाँ क्या करूँगा,
मैं तो एक होटल खोलने की सोच रहा हूँ और फिर सेटल हो जाऊंगा। तो मेरी कंट्री में भी कर सकते हो, इंडियन योगा स्कूल, टेस्टी साउथ इंडियन खाना, है ना कमाल का बिजनेस आइडिया। तुम्हारी बात तो एकदम सही है, तो क्यों ना हम लोग अगले हफ्ते ही चलते हैं, इतना लेट कहीं को? तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है तुम्हारे पास? आज तक मैंने कोई पासपोर्ट साइज फोटो तक नहीं खिंचवाई, तो भला ये पासपोर्ट कहाँ से लाऊंगा? जाकर पहले अप्लाई करो, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा क्या? जल्दी करो, पहले बैंक शुरू करो। ये लो पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट। आईडी कार्ड, रेशन कार्ड, मार्क शीट, बैंक पासबुक, इनमें से अपन के पास कुछ भी नहीं है सर। क्या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं? मतलब तुम्हारे जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है, तुम इस देश के निवासी नहीं हो? क्या भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपन तो ये पैदा हुआ, इधर ही पला बड़ा और इधर ही तो रहता है, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि आप उन इंडियन नहीं है। तुम्हारा नाम किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट में तो होना चाहिए था, वरना तुम इंडियन नहीं हो, इसलिए तुम पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या अभी आप उन ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सकता क्या? क्यों नहीं, वो तो हमारे हाथ में ही है। देखो उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। इसमें पैसा कितना लग जाएगा? एक मिनट, डिस्काउंट और मेरी फीस और जीएसटी मिलाने के बाद 5,30,000 रूपए लगेंगे, बस इतना ही। बस इतना? बोले तो जितना पैसा आप मुझसे मांग रहे हो उतना दे दूंगा, तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई हो सकता है क्या? सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, सारे कार्ड बना दूंगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड और तो और विजिटिंग कार्ड भी बना दूंगा। अरे तुम जैसे लोगों के वजह से आतंकवादी जिनकी कोई पहचान नहीं होती है भारत में आकर ब्लास्ट करके चले जाते हैं, समझे? मेरी वजह से नहीं, बल्कि पैसे है तो बात कर, मैं तो निकल यहाँ से। सर बैठिए। थैंक यू सर। आपकी फाइल और फिटनेस हमें अच्छी तरह से पता है, ये लीजिए पहले इसे देखिए। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझना क्या है, बेंगलुरु के किस किस पुलिस स्टेशन में वैकेंसी खाली है और हर एरिया के पुलिस स्टेशन का रेट इसमें लिखा हुआ है। आप बताइए कौन से एरिया में जाना है, आपको हम समझा देंगे कि आपको हमें पैसे कब और कैसे देने हैं। सर मैं बचपन से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैं फर्स्ट आया हूँ। एक बार फाइल तो देख लीजिए। हमें फाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंडर द टेबल कितना दे सकते हो वो बताओ। सर इतने बड़े बड़े अफसर होकर आप लोग मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, ये गलत है ना सर? हमें भी ये पोस्ट पैसे देकर ही मिली है, जैसे हम अपने पैसे रिकवर कर रहे हैं आप भी आराम से करते रहना, 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अपना हिस्सा अपने पास रख के बाकी के पैसे ऊपर के अधिकारी लोग को दे देना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और तो और कोई MLA या MP अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा देगा। आते वक्त जो सलाम ठोका था मैंने, तुम उसके लायक नहीं हो। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, अभी नया खून है। गुड, वेरी गुड, तुमने तो CET में बहुत ही बढ़िया नंबर लिया है, इस कॉलेज को तुम जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी सर, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, जाने से पहले एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, 75 लाख तुम्हें बिल्डिंग डोनेशन के लिए जमा करना है। 75 लाख सर, लेकिन फीस तो 3.5 लाख है और मेरी तो मेरिट सीट है। वो 3.5 लाख तो इस गेट से अंदर आने के लिए है बेटा, ये 75 लाख इस हाईटेक बिल्डिंग में बिठाकर तुम्हें एक डॉक्टर बनाने के लिए है। यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर है, हाईटेक लैब है, यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सारे इक्विपमेंट्स है, हर एक कमरे में एयर कंडीशन लगा है, तो 75 लाख तो बनते हैं ना। तो क्या मेरी मेरिट सीट की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सर? बिल्कुल है जी, इसीलिए तो तुमसे सिर्फ 75 लाख मांग रहा हूँ। MLA का बेटा बाहर बैठा हुआ है और वो पूरे 1.5 करोड़ देने को तैयार है। सर वैसे भी मेरे भी कुछ एथिक्स हैं। अगर तुम्हारे जैसा होनहार बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ये हमारे कॉलेज के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। नहीं, आप इसे हेल्प नहीं कह सकते, आप हेल्प के नाम पर चोरी कर रहे हैं। हेलो मिस्टर फ्यूचर डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारा भाषण सुनने के लिए वक्त नहीं है, अगर पैसे हैं तो डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो यहाँ से बाहर जाते वक्त दूसरे कैंडिडेट को अंदर भेज देना। यू मे गो नाउ। एक्सक्यूज मी प्लीज। सेलिब्रिटी कैसे बनी, इस राज के बारे में हम सबको कुछ बताइए ना। इन सब के पीछे सिर्फ वही घटना है जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई। उस दिन मैंने कुछ कह दिया था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा।
कहा था कि गुणमुखाचार्य और मेरे बीच में कुछ रिश्ता है। अरे अरे जरा देखो तो, ये टीवी वाले कैसे एक चीप औरत को चीप पब्लिसिटी दे रहे हैं, तो ऐसे लोग खुश क्यों नहीं होंगे? आप उनसे तो ऐसे प्रोग्राम देखे नहीं जाएंगे रे बाबा। बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगी, मैं आपको भी। जरा देखो तो, हमारे इस देश में ना खाली चीप लोगों को ही बड़ा सेलिब्रिटी बनाया जाता है। इस देश में ईमानदारी और ईमानदार लोगों की कोई कदर ही नहीं है। 100% करेक्ट ब्रदर, इस देश में ईमानदारी की कोई कदर नहीं करता। इसने एक गलती की, फिर टीवी पर इंटरव्यू दिया और सेलिब्रिटी बन गई। अब उसकी लाइफ सेट हो गई। पहले ये लोग बैंडेज बांधने का पैसा लेते थे, लेकिन अब रिबन काटने का पैसा लेते हैं। अब तो पैसा और स्टेटस दोनों का रूप बदल गया है। मतलब बोले तो गलत काम करने पर लेवल बदल जाएगा क्या? तू कैसा आदमी है, एग्जाम्पल तेरे आंखों के सामने पड़ा। और अब कितना लेवल बदलेगा तू? अगर टीवी पर आना है तो माया का की तरह फेमस होना होगा। एक बार सेलिब्रिटी बन गया तो फिर जो मन में आए बोल सकता है। अरे सुपर, ऐसे हमारे लोग भी खुश हो जाएंगे। बस इतना ही ना, तो चलो आप उन भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं बॉस। हेलो, सेलिब्रिटी बनने से पहले फेमस होना जरूरी है। ऐसा क्या? तो फेमस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कोई गलत काम करना पड़ेगा। गलत काम? ये तो आप उनके लिए चुटकी बजाने के बराबर है। हेलो, मैं भी आराम से कर सकता हूँ। अबे अगर तुम दोनों कर सकते हो तो मैं तो 100% कर सकता हूँ। सच में? उस आदमी ने बोला था कि आपुन तो इंडियन है ही नहीं, तो अगर आपुन गलत काम करेगा तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों काई को करोगे? सुनो, मैंने दिन रात पढ़ाई करके और कड़ी मेहनत से सीडी में फर्स्ट रैंक लाई है, लेकिन वो लोग एडमिशन के लिए मुझसे 75 लाख मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हर रोज सुबह जल्दी उठता था ताकि अपने शरीर को फिट रख सकूं, लेकिन उन्होंने हर एरिया की ज्वाइनिंग का फिक्स रेट किया हुआ है और उसके पैसे मांगे। इस वक्त अपन तीनों एक ही रास्ते पर है और प्रॉब्लम भी एक ही है। सारा परेशानी का जड़ी पैसा है। पैसे से पूरी दुनिया जीत सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा ही रहेंगे। थैंक यू ब्रदर, लोगों के टैलेंट की यहाँ कोई कदर नहीं है। हम यहाँ बेवकूफों की तरह दारू पी रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये पैसा नहीं है। पैसा आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए दर्द है। हर आदमी को इस दर्द को समझना चाहिए। हमें हर किसी को ये सच बताना होगा कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, जिसके लिए हमें मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। हम तीनों को अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके मीडिया को हमें ढूंढने पर मजबूर करना ही होगा। बोले तो टीवी पर आने के लिए कोई बड़ा गलत काम करना ही पड़ेगा। क्या? यस। गलत काम? पर कौन सा गलत काम? किसी का मर्डर करें क्या? मर्डर? मर्डर केस में अंदर गए तो जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। कुछ और सोच। अरे कुछ और? रेप कैसा रहेगा? अरे ऐसे काम हमारे लिए नहीं है, कुछ और सोचना। तुम दोनों को ठीक नहीं लग रहे हैं। ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, तो आखिर में करने का क्या? हमारी सारी प्रॉब्लम के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रॉब्लम देखो, सारी प्रॉब्लम इस कैश की वजह से। यस, पैसा ही कारण है ना? पैसा। ये किधर? पैसा होना चाहिए। पैसा, पैसा ही कारण है। पैसा ही नहीं, और ये पैसा है कहाँ? बैंक में। अरे तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बैंक लूट ले, और लूटा हुआ पैसा है ना हम अपने पास ही रखेंगे। पुलिस हमें ढूंढते हुए आएगी और हम कबूल कर लेंगे कि बैंक हमने लूटा है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम सही कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा भावुक हो गए। 1 मिनट। इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? क्यों ना ऐसे आदमी से पूछे जिसने पीना हो। अरे इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने नहीं पिए? आप उनकी ना एक गर्लफ्रेंड है, उससे जाके पूछता हूँ। क्यों?
वो पीती नहीं है क्या? पापा पापा पापा, उसने आज तक अपुन के सामने कभी नहीं पिया है। अगर तेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो क्या मेरी नहीं हो सकती? मैं अपनी वाले से पूछ। हेलो, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मैं भी उससे पूछूंगा। मैं उससे नहीं डरता हूँ। पूछ ना पूछ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ, बिना आवाज के बाहर आ जाओ। इस वक्त बाहर आओ, मैं अभी बिल्कुल नहीं आऊँगी। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम वहीं पर रहो, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम वहीं पर रहो, मैं आती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लड़कियाँ कभी हार क्यों नहीं मानती। ए, इतनी रात को क्यों आए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब देखो, मेरे पास पैसे है नहीं, इसलिए ये दुनिया ना मुझे इज्जत दे रही है, ना ही कोई जॉब दे रही है। मैं कंगाल हूँ ना, हमको सब ऐसे देखते जैसे हम कचरा है। तो क्या करना चाहते हो? इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि सारी प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए हम लोग एक बैंक लूटेंगे। क्या बैंक रॉबरी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, प्लीज इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। फिरंगे, अपन ना तेरे साथ शादी मनाएगा और जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा। इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। तुम्हें मेरे सुख और दुख दोनों बराबर बांटने होंगे, समझ गए? ठीक है अच्छू, तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ। तुम कहोगे पैराशूट बंद करके नंदी पर्वत से कूद जा, मैं वो भी करने को तैयार। हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ। अब जाने से पहले एक छोटी सी पप्पी चाहिए। ओए चल निकल। यार कोई नहीं देख रहा, प्लीज एक छोटी सी पप्पी दे दो ना, तुम्हारा क्या जाएगा? सिर्फ एक ना। पक्का पप्पी। अब मुझे लग रहा है कि हमें बैंक नहीं लूटना चाहिए। और अगर बैंक लूटा तो हमारा क्या होगा? अगर पकड़े गए तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? एक बात समझ लो, ये रॉबरी पैसों के लिए नहीं है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को बतानी है, जिसके लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि वो हम तक आए तो हमें ये करना ही पड़ेगा, क्या कहते हो? सही कह रहे हो। चल बात तो तू सही कर रहा है, कर डालते हैं, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए करने का। Cheers. चलो करते हैं। हे भगवान, हम एक बैंक लूटने वाले हैं। हम बैंक लूटने वाले हैं, हमारे काम में हमको सफलता देना भगवान, हमारे ऊपर दया करना। हम जो भी कर रहे हैं गलत इरादे से नहीं कर रहे हैं। इन सब पे नजर रख, हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। कैमरा भी लगा है, गोली मार दूंगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, जल्दी पुलिस को फोन लगा। चल पुलिस। नहीं सर, मैं कैचर को बोल देता हूँ, वो लॉक खोल देगा, जितने चाहे पैसा लेके जाइए आप लोग, पर मेरी जान बचती है। तू कैशियर है क्या? हाँ मैं ही कैशियर हूँ। चलना पुलिस को फोन लगा। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, सोमराज पेट लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में लूट हो रही है सर। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं बैंक का कैशियर काशीनाथ हूँ। लॉकर की चाबी किसके पास है? सर मेरे पास है सर। लॉकर के अंदर हो या बाहर? बाहर हूँ सर, यहाँ पर तीन चोर घुस आए हैं सर। अभी वो कहाँ है? मेरे सामने खड़े हैं सर। हमारे सामने देखते कैसे हैं? सर एक जाबाज है, एक हैंडसम है और एक खतरों का खिलाड़ी है सर। अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे सामने भी कॉमेडी किंग, ट्रेजेडी किंग, एक्शन किंग बैठे हुए हैं। अबे बेवकूफ आदमी, ये 100 नंबर पे फोन लगा के आगे से कॉमेडी किया ना, घर में घुस के ऐसा एक्शन करूंगा कि तेरी लाइफ ट्रेजेडी हो जाएगी। चला फोन रख, दिमाग खराब कर दिया। सर 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 रुकिए सर सर, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? जल्दी बोलना सर।
उन्हें लगा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ सर। क्या बोला? कॉमेडियन? हाँ सर। होशियारी कर रहा है तू? होशियारी कर रहा हमारे साथ? नहीं सर। अरे क्या सर, आपकी तो उम्र हो चुकी है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। इन्हें जितना पैसा चाहिए ले जाने दीजिए सर। ये रहा लॉकर, अंदर 12 करोड़ है। क्या? जितना चाहिए ले जाइए सर। 12 करोड़? लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। 12 करोड़? कितना कहा? अल्लाह पानी नहीं चाहिए। 12 करोड़? बंदूक उधर कर। अरे बंदूक उधर कीजिए सर, प्लीज सर मुझे कुछ मत कीजिए। सुनो, आज तक हमने इतना पैसा कभी नहीं देखा, चलो कम से कम एक बार देख तो लेते हैं। अच्छा क्या? हाँ चलो जल्दी गांव में, जल्दी खोल जल्दी खोल खोलना जल्दी खोल खोल जल्दी कर, खोल रहा हूँ सर। आप ये सब ले जाइए और मुझे घर जाने दीजिए सर प्लीज। सारा पैसा, इतने सारे पैसे का करेंगे क्या? रुको, कान बंद कर, कान बंद कर। सुनो, इतना सारा पैसा हम घर लेकर नहीं जा सकते। यही खड़े खड़े देखते हैं ना, थोड़ी देर में पुलिस हमें पकड़ने आ जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ए, चुप कर यार। अबे फ्यूचर में इतना कैश हम कभी देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए क्यों ना हम इस कैश को अपनी कार में रख लेते हैं और फिर शहर का एक चक्कर मार के आते हैं। कम से कम हम अपने नाती पोतों को अपने कारनामों की कहानियां तो सुना सकते हैं। नहीं, 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 ये सब गलत है, सब शांत हो जाओ। अरे तो ये टाइम पर हम लोग कौन सा सही काम कर रहे हैं? गलती तो कर ही रहे ना, तो क्यों ना थोड़ी सी बड़ी गलती कर दे। अगर उन्होंने हमारा पीछा किया और हम पकड़े गए तो केस और भी मजबूत हो जाएगा, हम और ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और वैसे भी आज फ्राइडे, हमको कैश को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। यस यस, यू आर करेक्ट डूड। यस, हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया है तो हमें मिलकर डिसीजन लेना होगा। ओके ओके ओके, जल्दी से भरना शुरू कर। जल्दी जल्दी भाई, फिर गड्डी बचनी नहीं चाहिए। सारे क्योंकि तुमने कल बहुत पी रखी थी, लेकिन तुमने तो सच में बैंक लूट लिया। इस क्राइम के लिए तुम 100% जेल जाओगे। इनमें तो दिमाग है ही नहीं, तुम तो अपना दिमाग चला सकते थे। ओए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ, अगर हम पकड़े गए ना तो सब के सब जेल में सड़ेंगे। दिस इज रिडिकुलस, दिस मनी बिलोंग्स टू समवन, दिस इज अ वेरी बिग क्राइम एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या तुम तीनों ने जरा भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा? अगर पुलिस को तुम लोगों पर जरा सा भी शक हो गया तो सोचा कि क्या होगा? तुम लोगों ने क्या सोच के ये काम किया? चलो ठीक है, अब इसके आगे तुम लोगों ने क्या सोचा है? अब ये क्या है? हमारे केस से जुड़े सारे सबूत इस पेन ड्राइव में है, इसे ध्यान से रखना। यकीन है वो हमें पकड़ लेंगे। तुम्हें इसे उस दिन कोर्ट में लेकर आना होगा जिस दिन पुलिस हमें अरेस्ट करके हम तीनों को कोर्ट में पेश करने वाली होगी। इस बात का ध्यान रहे कि जैसे ही पुलिस हमें पकड़े तब तक बैंक में लूट की खबर हर न्यूज चैनल तक पहुंच जानी चाहिए। जब हम यहां से निकलेंगे तो तुम लोग फोन करके पुलिस को बता देना कि लुटेरे इस कार में जा रहे हैं। तुम केस को अच्छे से समझ लो और कोर्ट में इस केस पर बहस के लिए अच्छे से तैयार रहना। तुम दोनों इस केस को समझने में इसकी मदद करना, समझी? मैडम, तीन आदमी जो सोमराज पेट बैंक रॉबरी में शामिल हैं, वो इस वक्त विजयनगर की तरफ जा रहे हैं। कार नंबर KA09MA7079। मैडम, आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? आर यू प्लेइंग मार्बल्स? जानती हैं, लूट को हुए 10 दिन बीत चुके हैं, पूरे के पूरे 12 करोड़ की लूट हुई है। मैंने प्रेसिडेंट को पहले ही राजीनामा पत्र पकड़ा दिया है और उसमें लिखा है कि अगर 15 दिन में पैसे वापस नहीं आए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, अब आप ही बताइए कि आप कर क्या रही हैं? व्हाट इज योर एक्शन प्लान? अब ये यहाँ इंग्लिश छाड़ रहा है। मैं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी हूँ ना, कोई भी केस सुलझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? एक केस के लिए 1 साल चाहिए क्या इधर उधर घूमने के लिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बहाने बना रही हो। ऐसे मासूम लोगों को पकड़कर रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। किसी बैंक में बहुत बड़ी रॉबरी हो जाती है और आप कहते हैं कि 5 दिन में मुजरिम को पकड़ लो,
पुलिस ट्रेनिंग में जादू टोना नहीं सिखाया जाता सर. सो सैड. अगर हमें किसी पर शक होता है तो पहले हम उसे पकड़ते हैं, उसके बाद इंक्वायरी होती है, और जब साबित होता है कि ये मुजरिम है तब जेल में डालते हैं. उसके बाद आपको खबर मिल ही जाती है. इससे पहले कि तुम्हारी न्यूज आएगी मेरी खुशी जा चुकी होगी. और ये भी हो सकता है कि सुबह सुबह हमें एमएस सुब्बलक्ष्मी के गीत सुनने की आदत ना हो, लेकिन सुबह सुबह चीखते लोगों की आवाजें जरूर सुनाई देती हैं. लोग आपके घर के पास क्यों चिल्लाते हैं? इन लोगों के पैसे लुट गए हैं, वो और कहाँ जाएंगे? They have to come my residence. I am their local guardian. देखो, मुझे इस बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये केस उठा सकती हो या नहीं, नहीं तो ये कुर्सी छोड़ दो. यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं. हम उन्हें यहाँ लाएंगे और अपना काम करवा लेंगे. मैडम, योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क. हाँ, अब बताइए क्या हुआ था. मैं सब सच कहता हूँ मैडम, ये सब एमएलए राजू गौड़ा का काम है मैडम. उसने इस काम को करने के लिए मुझे परसेंटेज देने का वादा किया मैडम. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी मैडम. देवी मैडम का फोन आया, मेरी तो किस्मत जाग गई. क्यों, नहीं करना चाहिए था? एनीबॉडी एनी टाइम एबल टू कॉल. हाँ ठीक है, समझ गई समझ गई. अभी कहाँ हैं आप? आज मेरे भाई के जन्मदिन की शानदार पार्टी है. आज मैं और मेरे सारे लड़के यहीं कैंगरी गेस्ट हाउस में हैं. बर्थडे पार्टी कर रहे हैं और हमें नहीं बुलाया सर. क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे. बताइए गाड़ी कहाँ भेजनी है? गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है सर, एड्रेस भेज दीजिए, हम पहुँच जाएंगे. ठीक है, मैं अभी रूट मैप भेजता हूँ. आ जाओ मैडम. जगह दे. हाँ अच्छा बताओ तो मेरा नागिन डांस कैसा लगा? आपके अंदर तो बड़ी एनर्जी है मैडम. आई लाइक इट. मेरी एनर्जी छोड़िए सर, मुझे तो आपकी एनर्जी झक्कास लगी. सुबह उठकर आप जनता की परेशानियाँ सुनते हैं, उसके बाद मीटिंग करते हैं, और रात को 12 के बाद बर्थडे पार्टी, नाचना गाना क्या क्या कर लेते हैं. मैडम मुझे 100% विश्वास है कि आप यहाँ मेरी एनर्जी चेक करने नहीं आई है. लाख टके की बात नहीं क्या? बैंक रॉबरी, 12 करोड़ कैश, 3 लड़के. हमें पता उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है. जिस आदमी के पास वो पैसा पड़ा है ना, उसने मुझे सब बताया. और उसी के ईमानदार आदमी ने तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया है. आपको इन्फॉर्मेशन देकर उसने मेरा काम आसान बना दिया सर, है ना? सही कहा मैडम. क्या बात है. तुम्हारा काम आसान हो या मुश्किल, चीज से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम. मुझे उस 12 करोड़ में से 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो बैग जरूर चाहिए. मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी आप सब बता रहे हो. कहते हो औरतों के पेट में कोई बात नहीं टिकती, आप तो उनसे भी गए गुजरे हो. इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, सब कुछ अपने आप बता दो, सजा थोड़ी कम दिलवाऊंगी. अगर मैं ना मानू तो? वरना वो बैग कोर्ट पहुँच जाएगा. यहाँ से बचकर जाओगी तभी तो बैग कोर्ट पहुँचेगा ना. चाहे मैं यहाँ से बचकर निकलूं या ना निकलूं, बैग तो कोर्ट में पहुँच ही जाएगा. आपकी जेल यात्रा तो पक्की है सर. सुनो, जल्दी से पता लगाओ कि वो सबूत किसके पास है. ठीक है. और उसे खत्म कर दो. ठीक है. देवी मैडम इन्हें भी खत्म कर दो. ये! Yes. Huh? You are great, man.
जब लड़कों से बात करोगे ना तो उनसे जरा पूछ लेना कि वो पैसों से भरा हुआ बैग उन्होंने कहाँ रखा है। ओके मैडम। और ध्यान रहे उस वक्त अपना फोन ऑन रखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है मैडम। यहाँ तो सिर्फ दो लड़कियाँ दिख रही है भाई, और तीसरी लड़की कहाँ गायब हो गई? ढूंढो उसे। हे भगवान, आज अदालत में फैसला होने वाला है, हमारी रक्षा करना। मैंने कहा ना मेरे पास कोई सबूत नहीं। सच में तुम्हारे पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। फिर तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। God bless you my child. Goodbye. सोमराज पेट लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में हुई लूट का अंतिम फैसला आज जल्द ही कोर्ट में आने वाला है। आजकल के युवा को काम करके पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें जल्द से जल्द अमीर बनना है। उन्हें लगता है कि वो बैंक लूट कर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों ने कितनी मेहनत करके पैसा कमाया होगा और बैंक में जाके जमा किया होगा। अगर ये बैंक ऐसे ही लूटती रही तो ये गरीब लोग आगे आखिर क्या कर पाएंगे? मैंने अपना सारा पैसा पाई पाई करके जोड़ा था ताकि मेरे बच्चे पढ़ सके, हमारी तरह घुट घुट कर नाचिए। कुछ भी करो और हमारे पैसे वापस दिला दो। गरीब लोगों के पैसे नहीं लौटाए तो दो मुंह वाले कीड़े पड़ेंगे। इन लोगों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कभी कोई ऐसा काम करने के बारे में सोच भी ना सके और लोगों को इससे सीख मिल सके। राज्य के लोगों का मानना है कि जब गुनहगारों को ऐसी सजा मिलेगी तभी घटनाओं को रोका जा सकता है। सुमराज पेट लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के चोरों को पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और अब कोर्ट के सामने पेश करेंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं कि पुलिस इन तीन चोरों को ले जा रही है। अब थोड़ी ही देर में बहस शुरू होने वाली है। यस, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, कटघरे में खड़े ये तीन लोग सोमराज पेट के लक्ष्मी कोऑपरेटिव में होने वाली लूट के मुख्य अपराधी हैं। इन तीनों ने जनता के करोड़ों रुपए लूट कर उड़ा दिए हैं। पुलिस की इंक्वायरी में जब इन लोगों से पूछा गया तो इन तीनों ने अलग अलग कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह किया। पुलिस के साथ साथ इन्होंने कोर्ट को भी धोखा दिया। मेरी गुजारिश है कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी अदालत से दरखास्त है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास कोई गवाह नहीं जो ये साबित कर सके कि कटघरे में खड़े तीनों लोग अपराधी हैं। इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, केवल शक के बिना पर इन्हें अपराधी कहना बिल्कुल गलत होगा योर ऑनर। इन्हें छोड़ देना चाहिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरे साथी ये भूल रहे हैं कि बिना किसी सबूत के मैं यहाँ बहस करने क्यों आऊंगा। योर ऑनर, इनके एक एक गुनाह का मेरे पास सबूत है जिसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं कोर्ट के सामने साबित कर सकूं। परमिशन ग्रांटेड, यू कैन प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। आप सभी मार्च की 15 तारीख को सोमवार कहाँ पर थे? मैं तो सदाशिव नगर में था। गुड। और तुम? राजाजी नगर। फाइन। और आप? महालक्ष्मी लेआउट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। ये तीनों उस दिन एक साथ सोमराज पेट में ही थे, एक साथ मिलकर इन्होंने बैंक लूटा, फिर कार को विजयनगर वाटर टैंक के पास रोका, बैग को खाली किया और उसे फेंक दिया। इस बात का सारा सबूत इस पेन ड्राइव में है योर ऑनर। इन्होंने जिस कार का इस्तेमाल किया था वो विजयनगर सिग्नल से गुजरी थी। हमारे पास इसका भी सबूत है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। और इतना ही नहीं योर ऑनर, विजयनगर आने से पहले इन लोगों ने पेट्रोल पंप से डीजल भी भरवाया था और उसके बाद विजयनगर बस स्टैंड से निकले। फिर विजयनगर मारुति मंदिर के पास इन्होंने किसी से एड्रेस पूछा, इसका भी सबूत है। इस सब का क्या मतलब? ये लोग KA02Z779 कार से पेट्रोल पंप की तरफ आए और विजयनगर बस स्टैंड को पास किया, फिर विजयनगर सिग्नल से लेफ्ट लिया, फिर सीधा जाकर राइट टर्न लिया और विजयनगर वाटर टैंक पर जाकर गाड़ी को रोक दिया, पैसा बैग से निकालकर बैग वाटर टैंक में फेंक दिया। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यह जुर्म इन तीनों ने ही किया है। एक मिनट, बार बार आप विजयनगर विजयनगर क्या कह रहे हैं? हमने बैग विजयनगर में नहीं बल्कि नंदी लेआउट में फेंका था, सही कहा ना? यस, चलो जल्दी चलो।
आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, इससे पहले हम कुछ कहें, हम कुछ पूछना चाहते हैं। इंसान के बनाए पैसों की कीमत हम इंसानों से ज्यादा कैसे हो गई है? बताइए योर ऑनर, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या आपके पास इस बात का जवाब है? आपके पास है? आपके पास है? चलो आप ही बता दो। नहीं है ना? और तुम लोग बस खुद बनकर बैठे रहो, तुम्हें किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? क्या यहाँ एक भी ऐसा आदमी है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? कोई है? बोलो। जान से नहीं है, कोई भी आदमी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सवाल का जवाब क्या है। हर आदमी ने अपने आप को इस पैसे के बदले बेच दिया है। उसी दिन पता चली हमें भी पैसे की कीमत, जिस दिन हमने चोरी की। उस दिन एक 65 साल की बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही थी मैडम। उस बेचारे को अपने घर पर अपने नाती पोतों के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसको रोड पर भीख मांगना पड़ रहा था, और उसका कारण है यह पैसा। पता है वो कितना खुश हुई थी जब हमने उसके हाथ में 2000 का नोट दिया? उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मैडम। असल में उस नोट का जरूरत हमसे ज्यादा उन गरीब लोगों को है। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमें 7-8 साल की एक बच्ची दिखाई दी। वो रोड पर फूल बेच रही थी। इसके पीछे का कारण भी पैसा ही है। जब हमने उसे 2000 का नोट दिया तो उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई, जैसे 10 दिन के फूल उसने 1 घंटे में बेच दिए हो। उसे तो किताबों, कॉपियों, पेन के बीच होना चाहिए था, लेकिन वो पैसों के लिए सड़क पर मेहनत कर रही थी। मुझे आपसे एक बात जाननी है ऑनर, क्या ऐसे हालात हम हमारे देश के बच्चों के लिए बदल नहीं सकते? बताइए ऑनर। इस सब का कारण है हमारे देश के वो अमीर लोग जो सरकार को धोखा दे रहे हैं। अगर वो 100 कमाते हैं तो टैक्स बचाने के लिए 20 दिखाते हैं, और बचे 80 उसका कोई हिसाब नहीं। उसे कहते हैं ब्लैक बनी, और कई तरीके हैं जिससे इस ब्लैक बनी को अच्छी तरह से छुपाया जा सकता है। ये सरकारी अधिकारी बड़ी बेशर्मी से हमसे रिश्वत मांगते हैं। हम जैसे लोग ऐसे ही बुरे लोगों की वजह से इस तरह के काम करने के लिए मजबूर होते हैं। असल में मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने मेहनत की, अच्छे मार्क्स भी लाया और कॉलेज में एडमिशन के लिए गया। उन्होंने कहा, कम, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया को तुम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है। 200% तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। तुम्हारे लिए कॉलेज में बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं जो तुम्हें MBBS पढ़ाएंगे। बढ़िया लैब है, AC रूम है, और इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में रिश्वत देनी पड़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है मुझ जैसे एक मेरिट स्टूडेंट के साथ, तो जिन्हें मेरिट सीट नहीं मिली उनका क्या? ये सब जो भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है योर ऑनर। हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये रिश्वतखोरी बंद नहीं होएगा। और सुनिए योर ऑनर, जिस अधिकारी ने रिश्वत लेकर नौकरी ली है, कभी भी आम लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, ना इस देश के बारे में सोचेगा, ना ही वो कभी ईमानदारी से जिएगा, बल्कि ये सोचेगा कि जो पैसे उसने रिश्वत में दिए उसे वापस कैसे कवर करे। और फिर वो भी पैसे कमाता है रिश्वत से। पुराने दिनों में हमारे बुजुर्ग लोग चावल के बदले दाल देते थे, वो एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे। ऐसा वो लोग जरूरत के हिसाब से करते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो पैसे से ज्यादा प्यार को इज्जत देते थे। लेकिन आज के जमाने में हम लोग इस कागज के टुकड़े पर अपनी जान देते हैं। क्या हम पैसे देकर अपने मरे हुए बाप को वापस ला सकते हैं? या फिर मेरे पास बहुत पैसे होते तो क्या आप उनकी माँ वापस आ जाती? पैसा देकर सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से उगने के लिए बोल सकते हैं क्या? कोई चांस ही नहीं है मैडम। मैडम, आदमी की कीमत पैसे से ज्यादा होती है, ना कि पैसे की कीमत आदमी से। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सिर्फ सड़कों की सफाई करने के लिए नहीं की थी, वो सिस्टम को भी साफ करना चाहते हैं जो अंदर से सड़ा हुआ है। और ये फाइल पहुंचाने वाले प्यून से लेकर उस मिनिस्टर तक लागू होता है जो उस पर साइन करता है। नहीं तो जैसे सपने हमारे परिवार के हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के, वैसे सपने ये गरीब बच्चे कभी देख नहीं पाएंगे। कभी देख नहीं पाएंगे योर ऑनर, क्योंकि इन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि इस सिस्टम की तय की हुई रिश्वत दे सके। इन्होंने हमारी एजुकेशन की कीमत फिक्स नहीं की है, ये हमारे परिवार की कीमत है, उनके पसीने की कीमत है। हमें बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी बात कहने के लिए। हमें जो कुछ कहना था वो हम आपको कह चुके हैं। अब आगे क्या करना है वो आपके हाथ में। तुम लोगों ने उस पैसे का क्या किया, इसका कोई सबूत है? हाँ है ना, जरूर देंगे योर ऑनर। योर ऑनर, बात यह कि योर ऑनर, हमारे पास हमारे हर एक काम का सबूत है। हम आपसे इतनी गुजारिश करते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम वो आपके सामने ला सके। बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई आप लोगों ने योर ऑनर। इन लोगों ने ना तो पैसे विजयनगर में फेंके और ना ही उसे किसी नंदनी लेआउट में। इन्होंने सारा पैसा हवाला कर दिया, फिर बैंकॉक घूमे, सैंडविच मसाज, ऑयल मसाज करवाई और सारे पैसे उड़ा दिए। इन लोगों ने उस पैसे से पूरी मौज मस्ती की है। ये झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट को सच्चाई के लिए सबूत चाहिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? वो
योर ऑनर। सिस्टर प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए। लो सारे बयानों को मद्देनजर रखते हुए तीन लोगों को दोषी करार दिया जाता है। ये कोर्ट इस केस में एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इस केस से जुड़ा एक बहुत ही अहम सबूत मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगी, इसीलिए मुझे इस मामले में एमएलए राजू गौड़ा से पूछताछ करनी है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसकी इजाजत दें योर ऑनर। यू कैन प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। एमएलए राजू गौड़ा कटघरे में हाजिर हो। इसके पास कौन सा प्रूफ है? आपका नाम? राजू गौड़ा। आप क्या काम करते हैं? मैं सोमराज पेट का एमएलए हूँ और समाज सेवा करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके कोट की जेब चेक कर सकती हूँ? कोट की जेब में? कोट की जेब क्या, आप पैंट चेक कर लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपके पास ये पेन ड्राइव कहाँ से आई बताएंगे? वैसे अगर आपको पता होता तो शायद ये यहाँ होती ही नहीं और आप यहाँ नहीं आते। योर ऑनर, ये वही सबूत है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इस पेन ड्राइव में सब कुछ है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप इसे जरूर देखें, इससे सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। मुझे बस यही कहना है योर ऑनर। गुड मॉर्निंग सर। पैसे लाए हो ना? जी सर। ये देखिए सर, रख लीजिए। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, अच्छी फिटनेस मेंटेन है। मुझे लगता है आपकी रफ्तार चीते जैसी होगी। अगर आपके जैसा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपकी पोस्टिंग छोटे मोटे एरिया में नहीं, एमजी रोड में पोस्टिंग कर दूंगा आपकी। खूब कलेक्शन होता है वहाँ। आपके पैसे सिर्फ 6 महीने में वसूल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो साहब, आपने जितना पैसा मांगा था और साथ में 20,000 का टिप, मजा करो। तुम्हारा जन्म चमराज पेट के वाणी विलास हॉस्पिटल में हुआ था और तुम्हारी जन्म तारीख 6/7/1991 है और अब तुम 26 साल के हो गए हो। तुम्हारा वोटर नाम चमराज पेट के वार्ड नंबर 6 में शामिल है। तुमने इससे पहले 3 विधानसभा और 4 लोकसभा के चुनाव मिस किए हैं और अब तुम ऐसा मत करना। और अब जाओ, शुक्रवार सुबह 5 बजे से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके बाद तुम पक्का इंडियन बन जाओगे, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब क्या चाहिए? Now that's my boy. पिछली बार तुम सिर्फ अपना टैलेंट लेकर आए थे, लेकिन इस बार टैलेंट के साथ साथ पैसे की ताकत भी लाए। Now definitely you'll be a fantastic doctor. तुम जैसा डॉक्टर इस समाज को देने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा। All the best my boy. Move on. Thank you sir. Thank you so much. Excuse me, Your Honor. Your Honor, इन तीनों लड़कों ने बैंक रॉबरी के दौरान जो पैसा लूटा है वो जनता का नहीं है, इस एमएलए राजू गौड़ा का है। November 8 हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 और 100 के नोट पर पाबंदी लगाई थी। उस वक्त हमारे देश के अमीर लोग और हमारे पॉलिटिशियन नोट एक्सचेंज में लगे हुए थे। उनमें से हमारे एक एमएलए साहब ये भी थे। इन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर एक फेक अकाउंट खुलवाया और उसमें करोड़ों रुपए पैसे जमा किए। वो अकाउंट इसीलिए खुलवाया गया था, अगर ये 2000 के नोट रखते तो इन्हें हमेशा डर रहता कि किसी भी वक्त रेट पड़ सकती है, लेकिन बैंक में रहेगा तो कभी कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने बैंक को सेफ्टी लॉकर की तरह यूज किया। ये तीन लड़के ये बात नहीं जानते थे। इन्होंने पैसा लूटा और लोगों में बांट दिया। लेकिन रॉबरी होने के बाद
बैंक मैनेजर ने सोचा कि मीडिया के सपोर्ट से ये जनता तक ये बात फैलाएंगे कि ये पैसा जनता का है और पुलिस जल्दी ही ये सारा पैसा ढूंढ निकालेगी। वैसे ये एक बहुत ही अच्छी सोच थी। हमारे प्रधानमंत्री ने ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए इस नोटबंदी का ऐलान किया था और नोट बंद हो गए। लेकिन हमारे बैंक मैनेजर को, बड़े बड़े नेताओं को और अमीर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एमएलए साहब की सारी बैंक की डिटेल्स मैंने आपको जो बुक दी है उसमें मौजूद है। प्लीज आप एक बार इसे जरूर देखिएगा। इस एमएलए को और उस बैंक मैनेजर को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही इन तीनों बहादुर लड़कों को शाबाशी देकर इनकी तारीफ करनी चाहिए। इन्होंने समाज की सेवा की है। मेरी विनती है कि इन्हें रिहा किया जाए। ओना अगर समाज की मदद ही करना चाहते थे तो ये काम करने की बजाय तुम लोगों को सीआईडी या सीबीआई के पास जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है वो मदद करते हैं? वो भी तो इन नेताओं और अमीर लोगों की जेब में ही बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारे जैसे गरीब लोग उन तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर इस तरह से लोगों की मदद कैसे होगी? इससे लोगों की मदद जरूर होगी। हम तीनों ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। upuhullikhara.com नाम की वेबसाइट हमने शुरू की है। आज के वक्त सबके पास मोबाइल है जिसमें कैमरा भी होता है। जब कभी कहीं अन्याय होगा तो वो उसे मोबाइल से शूट करके वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जो पुख्ता सबूत होंगे। और इसी डर से योर ऑनर, लोग गलत काम करने से डरेंगे ताकि उन्हें शर्मसार ना होना पड़े। अगर किसी ने वीडियो अपलोड की तो बहुत से लोग यूट्यूब पर इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसके व्यू और लाइक से हम पैसे कमाएंगे और उन पैसों को हम उस आदमी को देंगे जिसने वो वीडियो बनाई है, जिससे उन्हें मदद तो मिलेगी साथ ही अपना सपना पूरा करने में आसानी होगी। योर ऑनर, इस वेबसाइट पर सभी बराबर है। कोई भी इस वेबसाइट पर छोटा या बड़ा नहीं है। ये वेबसाइट हमने देश की भलाई के लिए बनाई है, उन लोगों के लिए बनाई है जो इस समाज में ईमानदारी से जीना चाहते हैं। इसके पीछे हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आदमी के टैलेंट और एजुकेशन को पैसे के आगे झुकना ना पड़े, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कम हो जाए। बस इतना ही कहना है योर ऑनर। हम तीनों का ये काम करने के पीछे बस यही मकसद था। अगर आपको लगता है कि इसमें हमने कुछ गलत किया है तो आपकी दी हुई किसी भी सजा के लिए हम तैयार हैं योर ऑनर। इस केस के सारे बयानों को अच्छी तरह सुनने के बाद और सभी सबूतों को देखने के बाद कटघरे में खड़े तीनों लोग, जिन्होंने हमारे समाज के ऊपरी तबके के लोगों के द्वारा अन्याय सहा है और फिर भी इन्होंने गरीब लोगों की मदद की है, जिसके लिए कोर्ट इनकी सराहना करता है, लेकिन कानून की नजर में इनके द्वारा उठाए गए कदम एक अपराध है। कोर्ट इन तीनों लड़कों को 3 महीने की साधारण सजा सुनाती है, उसके बाद इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। कोर्ट ये भी हुक्म देती है कि एमएलए राजू गौड़ा और बैंक मैनेजर को इसी वक्त हिरासत में लिया जाए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस बैंक की आड़ में इस काले धन की हेरा फेरी की है। थैंक यू आना, थैंक यू। क्या आपको पता है कि upuhullikhara.com आज की तारीख में एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन चुकी है? यहाँ अपलोड की हुई वीडियो बहुत वायरल हो रही है। हर आदमी जो गलत काम करता है आज इस वेबसाइट से डरा हुआ है। वो इस वेबसाइट को बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। अगर अच्छे लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये तीनों लड़के इस बात का अच्छा सबूत है। क्या आपको पता है कि आजकल इन तीनों लड़कों का क्या हाल है? आपको लगेगा कि ये तीनों अपनी लवर्स के साथ मजे में होंगे, लेकिन आपको पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये लोग अपने दूसरे प्लान पर काम कर रहे हैं। क्या है इनका दूसरा प्लान?